भारत को जानो, भारत को मानो, भारत का बनो और भारत को बनाओ। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा। देश के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा सबके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। ये सभी बातें कल्याण हाई स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने कही। पलामू जिले के पांडू में कल्याण हाई स्कूल के मैदान में हिंदू जागरण मंच ने युवा सम्मेलन संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर ही डॉक्टर सुमन युवाओं को जागरूक कर रहे थे। इस कार्यक्रम में राम दरबार और भारत माता की झांकी निकालकर पूरे पांडू का परिभ्रमण कराया गया। भारत में रहने वाले लोगों से भारत से प्यार करने, लव इंडिया, लिव इंडिया के सिद्धांत का प्रतिपालन करने की अपील की गई। भय दिखाकर लोगों का किए जा रहे धर्मांतरण का विरोध किया गया। मौके पर विंध्याचल हॉस्पिटल के निदेशक मनीष सिंह ने हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बारे में बताया और डॉक्टर सुमन कुमार के विचारों की सराहना की। पहले तो यहाँ की जनता को बहुत साधुवाद और बहुत दिल से धन्यवाद, जो आज बढ़ चढ़ कर इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है इसका हिस्सा बने, और इसके लिए हम सौभाग्य मान रहे हैं कि आज हम यहाँ आकर के बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं। हमारे बीच संघ के प्रचारक, मुख्य प्रचारक डॉक्टर सुमन कुमार, जो कि इनका पहले का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट सुलेमान, जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, जो यहाँ आकर हिंदू के बारे में जानने के लिए इनको भेजा गया यहाँ पे, तो ये जब देखे सनातन धर्म को तो ये काफ़ी प्रभावित हुए और ये अपना घर परिवार सारा चीज़ छोड़ करके हम लोग के लिए, सनातन के लिए ये अपना ज़िंदगी को समर्पित कर दिए, और आज उतने दूर से चल करके पांडू जैसे जगह पर आ करके यहाँ पे लोगों को सनातन के बारे में बता रहे हैं, तो ये बड़ी गर्व की बात है यहाँ के लोगों के लिए, और हम उनका बहुत साधुवाद देते हैं कि हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हिंदू रीति रिवाज जो है वो काफ़ी मूल्य है, जो वो जानते हैं, वो जो बताएंगे यहाँ के लोगों को, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ।